हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या ट्रेड मोड, मतलब एक कंट्री ट्रेड मोड के थ्रू कैसे इंटरनेशनल कंपनी बनती है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड के थ्रू कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी बनती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड एंट्री मोड में कोई भी दो कंपनीज, टू इंटरनेशनल कंपनीज इंटरकनेक्ट होती है फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है। बोथ कंपनी का कुछ ना कुछ एडवांटेज होती है, जैसे किसी के पास भाई अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स है, किसी के पास मतलब रॉ मटेरियल ज़्यादा अच्छे से, वो उस कंट्री में रॉ मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अभी जापान की कंपनीज के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, अदर कंपनी के पास मार्केट है, फॉर एग्जांपल इंडियन है, इंडियन का एक बड़ा लार्ज मार्केट है। ठीक है, चाइना के पास है टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब जैसे इलोन मस्क है, उसकी जो कंपनी है टेस्ला, टेस्ला की कार इंडिया में आएंगी क्योंकि यहाँ बड़ा मार्केट है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही है। तो ये मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू आप मतलब कुछ फॉर्म्स है किसके कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आया आपके पास लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी। ठीक है, लाइसेंसिंग में क्या होता है भाई, आपका लाइसेंसिंग में आपका एक बिजनेस यूनिट जो होती है, बिजनेस यूनिट आपकी एक बिजनेस यूनिट ऑफ वन कंट्री, मतलब लाइसेंसर बिजनेस यूनिट ये क्या हुई लाइसेंसर, उसने क्या किया अलाउज द बिजनेस यूनिट ऑफ अदर कंट्री लाइसेंसी। ठीक है, लाइसेंसी को अलाउ किया क्या बिजनेस यूनिट ऑफ अदर कंट्री, अच्छा ये दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं। इसने क्या किया, एक कंट्री जो है, एक जो आपकी कंपनी है जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, दूसरी कंट्री की कंपनी को, उसकी टेक्नोलॉजी का, उसके नाम का यूज करने का। देखो उसका क्या है, टू यूज इट्स टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइसेंसर कंपनी चार्ज करती है एक रॉयल्टी, 5-8% की रॉयल्टी होती है जो भी उसकी इनकम आएगी। ठीक है, ये रहा 5-8% आप चार्ज करते हो। देखो इसमें क्या हुआ, लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग में एक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी दूसरे फॉरेन कंपनी को एक अपने नाम से या अपनी उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का लाइसेंस देती है और इसके लिए वो क्या चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है, जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, जो कि 5-8% आपके अराउंड होती है। ठीक है, तो ये तो होती है आपकी लाइसेंसी। अब फ्रेंचाइजी में क्या होती है, देखो इसमें तो सिंपल सा आप नाम अलाउड करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना आप अलाउड करते हैं, लेकिन इसमें जो की कंपोनेंट्स होते हैं ना जिससे आपका वो प्रोडक्ट बन रहा है फ्रेंचाइजी में, वो भी आपका क्या बोलते हैं, वो भी आपका क्या है, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी बात, इसमें उसी का नाम आपका यूज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज का पिज्जा, उसमें क्या होता है जो की कंपोनेंट है वो आपके जो आपका सप्लायर है, वो मतलब जो कंपनी है वो आपको अवेलेबल कराती है यहाँ पर। तो जो डोमिनोज एक एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रेंचाइजी हो रही है, की कंपोनेंट भी अवेलेबल कराते हैं, पूरा सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर पूरा सपोर्ट है, यहाँ पर बस एक लाइसेंस अलाउड किया गया कि हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो और हमारा नाम यूज कर सकते हो, बस यहाँ पर इतना था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर की कंपोनेंट भी आप फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को देता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसिएट समझ में आया भाई आपको, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी में आप देखो दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ से करते हैं। देखिए जो फ्रेंचाइजी होती है आपकी, उसमें सिक्योरिटी लॉ लगता है आपका 1956 और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट आपका 1872 लगता है। सबसे पहले फ्रेंचाइजी में सिक्योरिटीज लॉ, उसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ। रजिस्ट्रेशन देखो फ्रेंचाइजी का मैंडेटरी करवाना पड़ेगा आपको, लेकिन लाइसेंसिंग का कोई मैंडेटरी नहीं है, कराना चाहो तो करा सकते हो, अदरवाइज मत कराइए। ठीक है, सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगी आपको, सपोर्ट सॉरी फ्रेंचाइजी में आपको मिलेगी, इसमें आपको लाइसेंसिंग में नहीं मिलेगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपकी जो रॉयल्टी होती है दोनों की केसेस में आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। और यूज ऑफ ट्रेडमार्क, देखो इसमें ना जो फ्रेंचाइजी होती है, ट्रेडमार्क रिटेन्ड बाय द फ्रेंचाइजर एंड यूज बाय द फ्रेंचाइजी। ट्रेडमार्क हमेशा किसके पास होगा, आपके फ्रेंचाइजर के पास जो अवेलेबल करा रहा है। और यूज कौन करेगा, यूज करेगा जो आपका फ्रेंचाइजर होता है, मतलब जो कंपनी जिसने फ्रेंचाइजी ली है। डोमिनोज का आप आगे एग्जांपल देखते हो, डोमिनोज के नाम से सारी चीज़ें बिकती है, मतलब उसका जो ब्रांड है वो उसे बेच रहे, उसे वो सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। लाइसेंसिंग में कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस उसकी सर्विसेज जो है उसको आप यूज़ कर रहे हो,
कैन नॉट बी लाइसेंस, कराना चाहे तो कराए, नहीं कराना चाहे तो ना कराए, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया फ्रेंचाइजी और लाइसेंसी। देखो इसमें बेसिक जो डिफरेंस आया वो ये था, दोनों में ही आपको अलाउड किया जाता है टेक्निकल नो हाउ यूज करने के लिए। बस एक में क्या होता है, की कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं जिससे आपको क्या मिली है, सपोर्ट मिली है। और दूसरा क्या है, उसमें आपको की कंपोनेंट अवेलेबल नहीं कराए, सिर्फ आपको नाम यूज करने का राइट दिया गया है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है आपका, ठीक है। हाँ जी क्लियर है भाई ये ऑनलाइन वाले। रजिस्ट्रेशन क्या है कि जो ये ये जो देख रहे हो ना आप सिक्योरिटीज लॉ के अंदर, इसको आपको रजिस्ट्रेशन, फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप इसमें जो फ्रेंचाइजर होता है वो आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस में। जो अगर मान लो आप ये देखिए, अगर एक डोमिनोज पिज्जा की अगर गुडविल खराब होती है तो पूरी डोमिनोज की गुडविल खराब हो रही होती है। मीन्स क्या है, रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रॉपर तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मीन्स आप समझे मेरी बात को, कि पूरा का पूरा उसमें एक वेल प्लान स्ट्रक्चर से वो अलाउड किया जाएगा। एक की गुडविल सभी की होती है, इसलिए तो लिखा हुआ है कि ट्रेडमार्क रिटेन्ड बाय फ्रेंचाइजर यूज बाय फ्रेंचाइजी। वो यूज करेगा, बस यूज करने के लिए पैसे दे रहा है और उसकी गुडविल मेंटेन करना उसी का काम होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, नाम ही नहीं यूज हो रहा होता, बस इसमें क्या होता है कि आप बस अपना टेक्निक जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो अवेलेबल करा दिया आपने, ठीक है। बस आप यूज करते अपने नाम से आप बेच सकते हो। नेक्स्ट आया आपका ट्रंकी प्रोजेक्ट। देखो ये जो आपका है ट्रंकी प्रोजेक्ट, ये दो वर्ड से मिला है, क्या ट्रंक प्लस में की, ये वर्ड मिला आपका ट्रंकी। ट्रंकी का मतलब क्या होता है, कोई भी ना एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रही है, अब बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी वो जापान के पास है, साउथ कोरिया के पास है, यूएसए के पास है, चाइना के पास है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जापान के पास है। हमें बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हमें किस तरीके की लेबर चाहिए, हमें इस तरीके की लेबर चाहिए जो कि स्किल्ड हो, पूरी के पूरे अच्छे इस तरीके से जानते हो कि किस तरीके बनेगी। इंडिया में इस चीज़ की कमी है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं है इंडिया में। तो क्या है, जापान के जो लोग हैं वहाँ से ही लोग यहाँ पर आएंगे, बस बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो लेबर की रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल कराएंगे। बाकी जितने भी इंजीनियर है वगैरह वगैरह जितने भी है, सारे के सारे जापान से आएंगे। वो उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे, पूरी बुलेट ट्रेन बनाएंगे, एंड देन जब पूरी बुलेट ट्रेन आपकी बन जाएगी तब आपको उसकी की दे देंगे, मीन्स आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, ट्रन की मीन्स जब आपका टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो, कोई प्रोजेक्ट फुलफिल करना हो, पूरा करना हो, तब आपकी जो एक कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल लेबर है, वो प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। प्रोजेक्ट को पूरा करके आपको, जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होगा, उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप ये देख सकते हो, वैसे बेसिक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, कोई कॉन्ट्रैक्टर जो किसी को बिल्डिंग बनाने के लिए देता है, तो जब तक वो बिल्डिंग बन रही होती है तब तक उसके ओनर वहाँ नहीं आते, बस वो देखने मतलब कभी कभी देखने आ गए, इस तरीके से हो गया। जब वैसे जैसे ही बिल्डिंग होगी, रहने लायक होगी, तो आपको दे दिया उसका चार्ज दे दिया। तो वो क्या हुआ, ट्रंकी प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। ट्रंकी प्रोजेक्ट में क्या होता है, बिजनेस यूनिट ऑफ वन नेशन एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट एंटायर प्लांट, पूरा एंटायर प्लांट होता है, दूसरे को आपका कंस्ट्रक्ट करके देगी आपको, ठीक है। इन दिस फॉर्म डज कम्प्लीट ए, देखो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लांट होता है, प्रोजेक्ट होता है, मतलब आप बड़ी मतलब एक ऐसा है कि उसी के पास वो उस तरीके की स्किल है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी ऑपरेशंस ट्रांसफर की जाएगी लाइसेंसी को, ठीक है। इसके लिए वो क्या चार्ज करेगा, इसके लिए वो आपका परसेंटेज चार्ज कर लेगा एक फिक्स रेट से, कि भाई हम इतना परसेंटेज ऐसे फीस लेंगे या रॉयल्टी लेंगे, ठीक है। आया भाई ट्रंकी प्रोजेक्ट क्या होता है, हाँ जी समझ में आया भाई ट्रंकी प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आया वो आपके पास है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक तीन पढ़े हैं आपने, लाइसेंसी एंड फ्रेंचाइजी, सेकंड आपने क्या पढ़ा, ट्रंकी प्रोजेक्ट, अब तीसरा आया मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें क्या होता है, ये देखो मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, किसी कंपनी के पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करती है मैनेजमेंट, सिर्फ उसके पास पैसे नहीं है ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, सिर्फ मैनेजमेंट अच्छा करना आता है। जैसे जापान है, जापान में क्या है, कोई सुनामी आए वहाँ पर तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारी ऐसी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी से मैनेजमेंट सर्विसेज लेती है, इसके लिए भी वो क्या करती है, आपके लिए मैनेजमेंट करती है,
ठीक है, और आपके लिए मैनेजमेंट करेगी, और आपका फंड आपका ही रहेगा, आपके ही सारे रिसोर्सेज रहेंगे इसके लिए, लेकिन वो फीस चार्ज करेगी। तो इसमें क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। इन वन कंट्री हैज़ ए गुड मैनेजमेंट, अनदर कंट्री इज प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट टू अनदर कंट्री, अपने को दूसरे को प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। वो क्या, देखो इसमें क्या होता है, वो रिसीव करते हैं ओनरशिप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बस अपना टाइम और अपना मैनेजमेंट इन्वेस्ट करते हैं, और उसके लिए क्या हो जाती है, उनको ओनरशिप मिल जाती है। तो ये वो आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आया ज्वाइंट वेंचर। देखो ज्वाइंट वेंचर जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर में आपके कोई भी एक प्रोजेक्ट के लिए दो नेशन की कंपनियां, जैसे नेशन फर्स्ट मान लो इंडिया और दूसरा आपका हुआ जापान, दोनों की कंपनियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। अब ये दोनों कंट्री कब तक साथ है, जब तक ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो जाएगा। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि दो कंपनी मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही होती है। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट एंड जापान की गवर्नमेंट, उनकी जो कंपनीज है इंडिया के साथ मिलकर क्या कर रही है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा कर रही है। तो ये क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर। बुलेट ट्रेन क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है कि ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है, आया समझ में। जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा वैसे ये दो गवर्नमेंट अलग हो जाए, इनका डीड खत्म हो जाएगी, मतलब ये कंपनी तब तक चला रही है प्रोजेक्ट, तब तक चल रहा है जब तक ये प्रोजेक्ट आपका चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है, एक ना आपने एक अकाउंटिंग की कंसेप्ट पढ़ी है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलती है भैया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहती है, कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। कोई बता सकता है रिलायंस का बिजनेस कब बंद होगा, कोई डेट नहीं है ना। कोई बता सकता है कि भाई अदानी ग्रुप कब बंद होगा, कोई नहीं बता सकता। कोई बता सकता कि मैसी दयानंद विश्वविद्यालय कब बंद होगा, कोई नहीं बता सकता। इंडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, और ये किस अजम्पशन पे है, गोइंग कंसर्न के अंदर, कि आपका बिजनेस आपका लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसका ना एक एक्सेप्शनल है ये ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर कैसे, भाई जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 5 साल का टाइम पीरियड दिया, तो 5 साल के बाद ये कंपनी, ये जो होता है ये आपका ज्वाइंट वेंचर, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आ जाए कि कौन सा ऐसी कंसेप्ट है जो इसको वॉयलेट करती है, तो आप कहेंगे ज्वाइंट वेंचर। समझ में आ गए ज्वाइंट वेंचर भाई, ठीक है। चार चीज़ें आपने पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है आपने पढ़ा इसमें, बताना मेरे को क्लियर है या नहीं। सबसे पहले आपने पढ़ा, आज जो हमने आते ही पढ़ा, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी, कोई डाउट है। लाइसेंसिंग और दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कि इसमें जो ब्रांड होता है वो जो की कंपोनेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ब्रांड नेम भी इसका यूज़ हो रहा होता है, सपोर्ट भी होता है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। लाइसेंसिंग में बस आप उसकी टेक्निकल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, और फीस चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद आपने पढ़ा क्या, ट्रंकी प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आएगी ना, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वर्ड दिख जाए आपको, वहां पर ट्रंकी प्रोजेक्ट लगेगा। या यहाँ ये आ जाए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट की विल ट्रांसफर या ओनरशिप विल ट्रांसफर टू द अनदर पार्टी, तो भी आप लिखेंगे कि ये ट्रंकी प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे को। और फोर्थ आपने पढ़ा क्या, ज्वाइंट वेंचर की एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं। अब नेक्स्ट आया आपके पास इन्वेस्टमेंट मोड। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पैसा लगाया जाएगा। अब यहाँ पर देखो ट्रेड मोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो। यहाँ पर आपको ना ओनरशिप चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, ओनरशिप चाहिए, कंट्रोल चाहिए। ओनरशिप के लिए और कंट्रोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसमें क्या होते हैं आपका, एक तो होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है आपकी FII। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप सिक्योरिटीज में पैसे लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी बाय कर रहे हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स बाय कर रहे हो, बॉन्ड्स बाय कर रहे हो, डिबेंचर्स बाय कर रहे हो, तो इसमें पैसे लगा रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि कोई भी एक कंपनी, जैसे आपने कहा एक एक्स कंपनी है,
जो कि यूएसए से है, छोड़िए आप इसको यूएसए वाली को, मान लो इंडियन कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी, मान लो आपने कहा कि मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी ना श्रीलंका में गई आपकी, मारुति की जो कंपनी वो श्रीलंका में गई, श्रीलंका में जाके अपना एक नया प्लांट लगा दिया, अपना खुद का नया प्लांट बना दिया, खुद की एक सब्सिडी लगा दी, तो ये क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी ने एक होस्ट नेशन की कंट्री ने, एक हो मतलब एक फॉरेन कंट्री की कंपनी ने किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी खुद की सब्सिडी लगा दी, या किसी जो एक रनिंग कंपनी उसमें कुछ शेयर परचेज कर लिया, किसी को एक्वायर कर लिया, तो वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि हच इंडिया थी, हच इंडिया को एक्वायर किया किसने, हच इंडिया को एक्वायर किया वोडाफोन ने, तो मतलब ये क्या हुआ कि उसने अपना यहाँ पर एफडीआई लगा दिया। एक जबंग नाम की कंपनी होती है जिसको अमेजोन ने क्या किया, एक्वायर कर लिया, तो वो भी एक एफडीआई का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, प्लांट लगाना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कंपनी अपनी क्या लगाती है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू कंट्रोल करने के लिए। एक तो ये हुआ, एक आया मर्जर और एक एक्विजिशन। अब मर्जर और एक्विजिशन में क्या होता है, दो कोई कंपनी मिलकर एक नई कंपनी मिलाकर, जैसे एक एक्स कंपनी एक वाई कंपनी है, मिलाकर एक नई कंपनी बना ली, या दोनों साथ मिलकर काम करने लग जाए। आपने सुना होगा अमलगामेशन, है ना, एक तो होता है अमलगामेशन। अमलगामेशन ना दो तरीके होते हैं, एक तो नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर में क्या होता है, दोनों का बिजनेस साथ साथ चल रहा होता है मर्जर में। जैसे आपने सुना है वोडाफोन आइडिया का रिसेंटली मर्जर हुआ है, तो उसमें क्या है, आइडिया का बिजनेस भी अभी रनिंग में है और वोडाफोन का भी रनिंग में है, बस नाम बदल दिया, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गया। तो ये क्या हुआ, मर्जर का केस है। एक हुआ एक्विजिशन का। अब मैंने कहा कि एक ना हच इंडिया थी, आपने अगर किसी ने देखा हो तो हच की हच होती थी, ठीक है, तो हच को एक्वायर कर लिया वोडाफोन ने, ये हो गया आपका एक्विजिशन। तो बन गई ना इंटरनेशनल कंपनी वोडाफोन, इंग्लैंड की कंपनी है वोडाफोन और इंडिया में हच इंडिया को एक्वायर कर लिया, तो ये क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई एक इंटरनेशनल कंपनी, या इसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, कंट्रोल हो गया। अब इंडिया में देखिए वोडाफोन कितना बड़ा है, है ना। तो मर्जर समझ में आया आपका, कि दो कंपनी मिलकर अपना बिजनेस चला रही होती है, एक नई कंपनी बना लेती है। और एक्विजिशन आपका आया, एक्विजिशन में क्या हुआ, एक्विजिशन में एक बड़ी कंपनी जो स्मॉल स्केल कंपनी है उसको एक्वायर कर लेती है। इसकी एग्जाम्पल मैंने बताया, स्नैपडील थी, इसको फ्लिपकार्ट ने कर लिया। तो ये क्या एक एग्जाम्पल है। आप और भी देखेंगे तो मैंने कहा जबंग को एक्वायर कर लिया अमेजन ने, वो सेम कंपनीज थी। और देखिए आप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो एक्विजिशन होते हैं आपके पास। अभी ये देखो, बैंकों का मर्जर हुआ, बैंकों का मर्जर क्यों कहा गया, एक्विजिशन क्यों नहीं कहा गया, बताइए आप। बैंक जब आपकी कंटिन्यूस मतलब रनिंग में हो, आपका चल रहा हो, तो वो आपकी मर्जर का केस होगा। देखो वोडाफोन आइडिया का मर्जर क्यों है, क्योंकि दोनों बिजनेस चल रहे हैं, जितने भी बैंक थे कोई भी बैंक बंद नहीं हुआ, बस उनके क्या हुआ, नाम बदल दिए गए, एक नई नया नाम जो भी बना, या उसको तो हम बोलेंगे मर्ज कर दिया गया, क्योंकि बिजनेस अभी भी उसका चल रहा है, ठीक है। एक्विजिशन समझ में आया कि एक बड़ी कंपनी स्मॉल को कर लेती है, मैंने कहा फ्लिपकार्ट स्नैपडील को कर लिया, जबंग को अमेजन ने कर लिया, हच को वोडाफोन ने कर लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए जिसको एक्विजिशन होते हैं। एक हुआ स्ट्रेटजिक अलायंसेज, ये ना बेसिकली आपका आर्मी से वर्ड आया है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आर्मी के केसेस में क्या होता है कि रशियन जो आर्मी होती है इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग करती है, कि उनको पता लगे कि हम क्या इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया की करती है, पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका इस तरीके से करती है। मीन्स क्या होती है कि कुछ देश की जो आर्मीज होती है वो साथ में ट्रेनिंग करती है। तो ये भी यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर दो कंट्री की कंपनीज मिलकर साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है, क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके लिए पर्टिकुलर सेंटर होती है, वहाँ पर आया, वहाँ पर क्या किया, कोई ओपन किया सेंटर, वहाँ पर अपना क्या किया, काम कराया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया गया। तो इसको क्या बोलते हैं आपका, स्ट्रेटजिक अलायंसेज। स्ट्रेटजिक अलायंसेज में क्या हुआ, एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों साथ आई, और किस पर्पज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए उन्होंने सेंटर ओपन कर दिए, यहाँ पर ये काम करेंगे, कोई नया चीज़ निकालेंगे उसको मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। फॉर एग्जांपल वैक्सीन की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो अकेली इसी एक कंपनी ने नहीं किया, वो साथ मिलकर काम किया है, रिसर्च किए इस पर। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेटजिक अलायंसेज का फॉर्म हुआ, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ लिया पूरा ट्रेड मोड,
मैंने बताया प्रिपेयर्ड मोड में ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस को एक्सपेंड करना। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड वो भी आपने पढ़ा, एंड देन आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट मोड। तो अब ये इसके पढ़ने के बाद आपको ये पता करना होगा एग्जाम में आ जाए कि आप कौन से फैक्टर्स को देखते हुए बताएंगे कि आपको कौन से मोड में जाना है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में जाना है, इन्वेस्टमेंट मोड में जाना है, या आपका ट्रेड मोड में। बेसिकली आपको दो में से सेलेक्ट करना होगा, या तो ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में। तो देखते हैं आप खुद, आप हम देखते जाना, इसमें लिखा भी है कि किस किस को करेंगे आप। सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले अभी हमने बताया ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे देखा जाए, आपका अगर ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल करना तो आप क्या करेंगे, FDI इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। और अगर आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, बिजनेस को एक्सपेंड करना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ट्रेड मोड पे। ठीक है, ट्रेड मोड गए, FII लगा दिया, एक तो ये चीज हुई। दूसरा आपके पास आया आपके इन्वॉल्वमेंट, आप उस बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कितना दिखाना चाहते हैं उस कंट्री में। अगर लो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, सिंपल सी बात, आप उस कंट्री में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो आप ट्रेड मोड दिखाइए। उस कंट्री में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट मोड भी जाएंगे। समझ रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, रिस्क की बात, अब रिस्क किसमें ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट मोड में ज्यादा है ना। इफ वन वांट टू हैव हाई रिस्क लेना है तो इन्वेस्टमेंट मोड में, और लो रिस्क लेना है तो ट्रेड मोड में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर, अब ये देखिए जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अब वहां पर बताइए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या वहां पर आप एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है जिस कंट्री में आप बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने अपने बिजनेस को श्रीलंका में लेके जाना चाहते हो। अब श्रीलंका में ना नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं, कोकोनट बहुत ज़्यादा हाई लेवल की उसकी वो है, प्रोडक्शन है। अब वहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, तो मेरे को बताइए आप यहाँ से नारियल प्रोडक्ट बनाकर भेजेंगे या वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। हाँ जी, आप बताइए ना, अगर रॉ मटेरियल यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है तो आप यहाँ वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर वहाँ पर आपका अवेलेबल है, और अगर आपका नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन अगर लो आ रही है तो इन्वेस्टमेंट करो, और ट्रेड मोड में आपकी हाई आ रही है तब वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, फैसिलिटीज अवेलेबल है तो इन्वेस्टमेंट मोड, जैसे किसी कंट्री में अच्छी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है। एक बात देखिए आप, मोस्टली कंपनियां तो चाइना में है, इंडिया में है, ठीक है, और क्या बोलते हैं सिंगापुर में है, साउथ कोरिया है, रशिया है, यहाँ पर है, यहाँ पर ही क्यों है, केनिया में क्यों नहीं गई, नाइजीरिया में क्यों नहीं है, या जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी है और वहाँ पर क्या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है, अगर फैसिलिटीज है तो इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज हम उसको ट्रेड मोड यानी एक्सपोर्ट करते रहेंगे या इम्पोर्ट करते रहेंगे। और होस्ट कंट्री का एनवायरनमेंट, अब देखिए पाकिस्तान में कोई कंपनी जाना पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट सा नहीं है इस तरीके का, टेररिज्म का लाइक जिस तरीके का है। इंडियन कंपनी एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ से, चाइनीज में से कंपनी वहाँ से शिफ्ट हो गई इंडिया की तरफ। क्यों हुई, क्योंकि चाइना वाली जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से कि वन पार्टी पॉलिसी कि वो उन डेमो इस तरीके से रखती है कि एक्सप्लोटेशन या प्रेशर बनाए रखती है, कोई कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वो नहीं दे सकता, मतलब कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकता वहाँ पर, इस तरीके से है अपने यहाँ बिल्कुल फ्रीडम है इस तरीके की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, सपोर्टिव है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट मोड, और सपोर्टिव नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, ट्रेड मोड में। ठीक है, आया समझ में भाई, देखिए हाँ नहीं, डिपेंड करता है ना कंडीशंस की। आप ये बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप किस मोड में जाएंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं समझ में आया क्या हुआ। ट्रेड का मतलब होता है जैसे मान लो इंडियन कंपनी है, उसने प्रोडक्ट बनाया यहाँ पर और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये तो था ट्रेड। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है मान लो श्रीलंका में रिक्वायरमेंट है तो वहीं पर अपनी FDI लगा दी, अपना प्लांट लगा दिया, वहीं बना रही, वहीं पर बनाकर और वहीं से मतलब वहाँ पहले सप्लाई कर दी, जो बच गया उसको फिर वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया किसी और कंट्री में।
अब आया कि नहीं हुआ कि यार आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, ठीक है ना, वहीं पर प्लांट लगाना। एंड देन इसमें क्या था, यहाँ पर ट्रेड का मतलब होता है आप अपनी एक्टिविटीज को यहीं से कंट्रोल कर रहे हो सारे को, एक्सेस में प्रोडक्ट उसको यहाँ से बस आप भेजे जा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा है, एक बार जो आज का जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल एंट्री मोड, देन आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट मोड, और उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट मोड और ट्रेड मोड। तो कुछ फैक्टर्स है बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेंगे, आपने बस सेलेक्ट करके बताना है। वहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, अगर मान लो इन्वायरमेंट इज सपोर्टिंग, तो स्टेटमेंट में आ गया कि मान लो होस्ट नेशन एनवायरमेंट आपका सपोर्टिंग है, तो वी शुड गो फॉर द ट्रेड मोड, तो आप बताएंगे फॉल्स या करेक्ट है, तो आप कहेंगे कि अगर सपोर्टिव है तो आप इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये बात आपको मतलब पता होनी चाहिए। अभी तक बताओ, कोई डाउट हो तो।